समझ के दबाना, गलत समझ के मत दबा। पटेल साहब आपने ये पढ़ा क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है कि पुलिस की ज्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं। कौन लगता है, नाम बताओ, उठा के ले आओ उसको। हम पुलिस को बदनाम करते हैं सर। और सुनिए क्या लिखा है? लिखा है कि पुलिस की कस्टडी में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अरे सर, इसमें पुलिस की क्या गलती है सर? वो खुद ही इतने कमजोर होते हैं, दो लाठी मारो टूट जाते हैं। यही तो, पुलिस पूछेगी तो क्या लॉलीपॉप देके पूछेगी? सब साजिश है पुलिस को बदनाम करने की पब्लिक के नजर में। ये मीडिया वाले हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम गुंडे बन जाएं। ये लोग पागल हैं सर, इसमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? मतलब हम लोग हैं गुंडे? बहुत बेइज्जती हो रही है आजकल, कुछ करना पड़ेगा, ये पुलिस की इमेज को साफ करना पड़ेगा। साबुन ले आऊं सर? साबुन से नहीं, ड्यूटी करके जो आया उसके रिपोर्ट लिखो, और जो ना लिखवाना चाहे मार मार कर लिखवाओ। सर अगर उसने कहीं हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी तो? अबे वही तो पूछ रहे हैं, आदमी से पूछने वाले इंसान, क्यों मारा, क्यों मारा उसने? हुआ ये है कि मैं कार लेके बाहर निकला, बरसात का मौसम है तो मेरी कार से एक आदमी के कपड़ों के ऊपर कुछ छींटे पड़ गए, तो उसने मुझे उतार के इतना मारा कि मुझे अगली बरसात तक याद रहेगा। उसने मेरी गाड़ी भी तोड़ डाली। हवलदार साहब, किसी तरह से आप मुझे इंसान दिलाइए प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए हम, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, हम सब ठीक करेंगे। सिर्फ इसमें बताइए कि कहाँ कहाँ मारा उसने, कहाँ कहाँ? देखिए सर पे चोट लगी थी, वहाँ पे तो मैंने पट्टी करवा ली है। मुंह का हाल देख रहे हैं आप, यहाँ बुरी हालत हो चुकी है मेरी, यहाँ पे क्या हालत है बता नहीं सकता। शुक्ला, इसको अस्पताल नहीं ले गया क्या अभी तक? नहीं सर, ये वो कमजोर इंसान नहीं है जिसको हमने कल लॉकअप में तोड़ा था। इसको हमने नहीं मारा, इसका पीटने वाला स्टाइल तो पुलिस का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, पीटने वाला स्टाइल बिल्कुल पुलिस का है। मतलब जरा सा कीचड़ गिर गया था उस आदमी के कपड़ों पे, और उसने देखिए कितनी बुरी तरह से मुझे मारा है। आप उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ डोंट वरी, पुलिस का काम ही है लोगों की हेल्प करना। शुक्ला इनकी रिपोर्ट लिखो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तेरा चल भी नहीं पा रहा है ठीक से, जरूर किसी पुलिस वाले का हाथ पड़ा है इस पे। अबे नहीं 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 यार, वहां पे ठेला नहीं लगा सकते, इलीगल है। हाँ तू एक काम कर बेटा, फिर वही बात, समझता नहीं है यार, मंत्रालय के बाहर ठेला लगा के क्या फायदा, कोई पैसे ही नहीं देगा। तू एक काम कर, तू मंत्रालय के बाहर ठेला लगा ले, फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम। हाँ और सुनो बेटा, बहुत दिन से समोसे कचोरी नहीं भेजे हैं तूने। हाँ हाँ चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। भाटिया जी क्या शुक्ला, अरे ये फटा समोसा कहाँ से ले आए? फटा समोसा नहीं हूँ, मुसद्दिला शेरगिल हूँ। ये बिल्ली जैसी हालत क्यों बना रखी है? भाटिया जी हंसो तो मत ही, किसी ने दिल लगा के धो दिया इनको, रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट अभी? अभी नहीं, अभी तो चाय पीने का मन कर रहा है। वो तो मैं फैला दूंगा, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे वेरी गुड, थैंक यू शुक्ला जी, जरा दो प्लेट समोसे और चाय मंगवा देना बाहर से। आप बैठिए, हम यहीं ले आते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। तो भाई साहब ये बताइए कि ये कांड कहाँ हुआ? ये फूल वाली गली में हुआ था। क्या मैं कार चला के आ रहा था, सामने से आदमी पैदल आ रहा था, बरसात का मौसम था, गली में बहुत सा पानी भरा हुआ था, तो कार से कुछ छींटे हुए कपड़ों में पड़ गए, तो मतलब वो तो राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गए था। ओहो, तो आपने अपना बचाव नहीं किया? कोशिश तो की थी। तो आपने अपने बचाव में क्या किया? हाथ जोड़ के बोला था मारो मत भैया मारो मत। क्या बात कर रहे हैं, आपने पलट के मारा नहीं उसको? अरे कैसे मारता, उसने मौका ही नहीं दिया, मारता ही चला गया। ये चला गया, पुलिस वाला था क्या? अब ये तो मुझे पता नहीं है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। हाँ डोंट वरी भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो बिल्कुल। पर लाओ भाई लाओ लाओ। अरे भाई साहब, बरसात में गर्मा गर्म समोसे और चाय की तो बात ही कुछ और है। मेरी वो रिपोर्ट? हाँ हाँ भाई साहब लिखते। आप एक काम करो, आप उषा जी के पास जाओ और उनको हुलिया बता दो, उस आदमी का हुलिया जिसने आपका हुलिया बिगाड़ा है, वो स्केच बना देंगी तो हम उसको फट से पकड़ लेंगे। आप याद है ना देखने में कैसा लगता था? वो याद है, उस आदमी को तो जिंदगी भर नहीं मैं भूल सकता हूँ, पर मेरी रिपोर्ट? अब लिख देंगे, जब तक आप हुलिया बनवाओगे हम समोसे खा लेंगे, उसके बाद हुलिया बनते ही हम रिपोर्ट लिख देंगे और कट से उसको पकड़ लेंगे। थैंक यू। उषा जी कहाँ है? देखो साफ साफ एकदम सही हुलिया बताना जी। नहीं क्या है, गलत आदमी का होलिया बताओगे तो गलत आदमी का होलिया बनेगा, फिर हम गलत आदमी को धो डालेंगे ना। नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो ही नहीं सकती ना। यही तो, पर मुझसे हो सकती है ना। ठीक है बताओ कैसा था वो? कैसा मतलब वो गोरा भी नहीं था, काला भी नहीं था, बीच का सा था। क्या?
वो मतलब लंबा भी नहीं था, नाटा भी नहीं था, शरीफ जैसा भी नहीं दिखता था, बदमाश जैसा भी नहीं दिखता था, बीच का था। हाँ हाँ, आप किस बने? तुम होलिया बता रहे हो या रेडियो पे लापता लोगों का होलिया बता रहे हो? तो कैसे बताऊं? अरे कुछ ऐसा बताओ ना, मतलब वो चेहरा कैसा था उसका, उसका फेस कट कैसा था, उसका हेयर कट कैसा था, ऐसे कुछ बताओ। अच्छा, उसका चेहरा, उसका चेहरा एकदम ये लौकी जैसा था। हाँ, मतलब ऊपर से तो ठीक था, नीचे से लौकी की तरह लंबा था, लेकिन एकदम बड़ा खतरनाक जहरीला टाइप का, एकदम ऐसे करेले की तरह। हाँ, और उसके चेहरे पे एक नाक थी एकदम पड़वल की तरह, और उसके बाल छोटे छोटे थे धनिये की तरह, और आंखें उसकी जब गुस्सा आ जाता था उसको तो एकदम टींडे की तरह हो जाती थी, तो थोड़ी देर के बाद ये नींबू बड़ा ना, नींबू की तरह हो जाती थी। फिर उसका माथा, उसका माथा एकदम कद्दू जैसा, और बस उसके बाद और तो मुझे पता नहीं है। तो हुलिया बन गया? हाँ जी, यही है ना वो जिसने तुम्हें मारा था। अरे ये क्या, ये तो आपने सब्जी की टोकरी बना दी। क्या ये उसका हुलिया नहीं जिसने तुम्हें मारा था? अरे मुझे सब्जी की टोकरी ने थोड़ा ही मारा था भाई। तुमने तो ये बताया था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं था, अब कुछ गलत फहमी हो गई होगी आपको शायद, मुझे लगता है। कैसे बताऊँ आपको कैसा था ये, कुछ यहाँ पे ये ऐसे ही आदमी खड़ा ना, हरी कमीज वाला, बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। ऐसा क्या? अरे यही था ये आदमी, अरे यही आदमी था। अरे हवलदार साहब, इसको पकड़ लीजिए, इसी आदमी ने मुझे मारा था, यही आदमी है। कौन शोर मचा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यही आदमी जिसने मुझे मारा था। आपको पूरा यकीन है कि यही वो आदमी है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने मुझे मारा था। क्या पांडे, मारा? नहीं मारा पांडे जी। हाँ मारा। देखा, अब अरेस्ट कर लो आप। पर इसका नाम कैसे जानते हो आप लोग? अरे हम तो इनके बाप का भी नाम जानते हैं। ये बहुत बड़ा गुंडा है ये। यही तो, ये सब इंस्पेक्टर पांडे जी है। मुझे लग रहा था, मैं पहले ही बोल रहा था कि पुलिस वाले ने मारा है। क्यों, अभी दिल नहीं भरा क्या जो पुलिस वाले की शिकायत करने आ गया? तो क्या हुआ पुलिस वाले, तो क्या हुआ, तो रिपोर्ट तो फिर भी लिख लेनी चाहिए पुलिस वालों को। रिपोर्ट लिख लो, मैं भी कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। कौन है तू? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ, पुलिस में दे दूंगा तुम लोगों। अरे हम तो पहले से पुलिस में दादा किया ना, तुझे भी ले लेंगे, चल भाग यहाँ से, मारो दोबारा। नहीं तो मतलब तुम लोग मेरी रिपोर्ट ही लिखोगे? नहीं नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लिखोगे, नहीं फाइनली बता दो मुझे कि तुम लोग मेरी रिपोर्ट लिखोगे कि नहीं। नहीं तो ठीक है, मत लिखो, इसमें गुस्सा नहीं, क्या बात है। भाग यहाँ से, जा जाता हूँ मैं, तो बता रहा हूँ सब लोगों में, छोड़ूंगा नहीं आप लोगों में। धमकी दे के गया? अरे कुछ दे के ही गया, लेके तो नहीं गया ना। क्या हुआ शुक्ला? पांडे जी की फोटो मराठी अखबार में निकली है। ओ, लास्ट एनकाउंटर की छपी होगी? नहीं मेरे दया नायक, कल जिसको आपने सड़क पे मारा था ना, उसने अखबार में फोटो छपाई है। पुलिस जाति का शिकार आदमी अस्पताल में? पांडे जी अब क्या होगा? नहीं लेकिन मैंने तो हल्के से मारा था। अरे पांडे जी, आप तो जानते ही हैं पुलिस वालों का हल्का, धीरे से झटका तवा तोड़ लगे। क्या होगा, बात अगर आगे बढ़ गई ना तो पांडे जी सस्पेंड। अरे क्या बात कर रही हैं उषा जी, सस्पेंड की बात मत बोलिए, वैसे ही महीने का आखिरी चल रहा है, सस्पेंड हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? और पांडे जी सस्पेंड पुलिस वालों को तो कोई रिश्वत भीख में भी नहीं देता। तो देखिए आप लोग भी कुछ करिए, कल को आप लोग भी किसी को मार सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हम कोई पागल है जो हम किसी को मारेंगे? हम नहीं मारेंगे। अरे आप ये मत भूलिए कि आप पुलिस वाले हैं, कल को आपका प्यार में भी किसी के ऊपर हाथ उठ सकता है। हाँ, हमें पांडे जी की मदद करनी चाहिए। कैसे? देखिए सर, उस आदमी की रिपोर्ट लिख के पांडे जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्या हमें फंसा रहे हैं कि बचा रहे हैं? अरे पर रिपोर्ट नहीं लिखी तो बात ऊपर तक जाएगी, और बात नीचे रही तो और नीचे दबा देंगे। लेकिन मैं सस्पेंड तो नहीं हूँ ना, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। अरे नहीं 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 पांडे जी, क्या बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही हम कितनी रिपोर्टें लिखते हैं और कितनी कार्रवाई करते हैं। चलो चलो अभी जल्दी जाओ, ऊपर से प्रेशर आया, उससे पहले वो मुसद्दीलाल को उठा के ले आओ और रिपोर्ट लिख दो। वाह, चलो भटिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे उठा के क्यों ला रहे हो मुझे? ए, क्यों, ये क्या करके रहेंगे, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट लिखनी है ना। मेरी? हाँ, वो पांडे जी ने तुम्हें मारा है ना? अरे इतना मारा है कि अभी तक टांग में दर्द होता है। बस गुरु, तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखोगे? यही तो, सारी डिटेल्स भाटिया जी के पास दे दो, कब क्या कहाँ कैसे हुआ। ओके भाटिया जी। हाँ जी, क्या बोलूँ? नाम मुसद्दीलाल शेरगिल। पिताजी का नाम? मुसद्दीलाल शेरगिल सीनियर। उम्र किसकी, पिताजी की कि मेरी? चोट किसको लगी थी, आपको या आपके पिताजी को? मुझे। हाँ तो आपकी उम्र? मेरी उम्र 47 साल। पता पता किसका, मेरा के पिताजी का?
चोट तो पिताजी को लगी थी कि आपको लगी थी? नहीं, मुझे लगी थी। अच्छा, हाँ तो आप कहा 555/667 फजल गली, वो साबुन वाली फैक्ट्री है उसके पीछे। ओके, हाँ तो अब जो है पूरा किस्सा मुझे जरा डिटेल से बताइए। क्या हुआ कि सवेरे सवेरे मैं घर से निकला। कितने सवेरे सवेरे? अब बहुत ज्यादा सवेरे भी नहीं थी और बहुत कम टाइम बता यार। 10:13 हुए थे उस वक्त जब मैं निकला था। तो कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल कहाँ है? फूल वाली गली में। मैं अपनी कार से जा रहा था, उस गली के अंदर बरसात की वजह से काफी पानी जमा था, तो मेरी कार से कुछ छींटे उड़े और जाके उस आदमी के ऊपर, मतलब पांडे जी के ऊपर गिरे। जैसे उनके ऊपर गिरे वो मुझ पे पिल पड़े। ये बताइए कि उन्होंने गाड़ी में घुस के आपको मारा या आप गाड़ी से जब बाहर आए तब उन्होंने आपको मारना शुरू किया? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग तो उन्होंने पहले गाड़ी के अंदर घुस के ही मारा, लेकिन मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था इसलिए मैं बाहर निकल आया और बाहर आके आराम से पिटा। अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ मारा? ये देखिए सर पे मारा था, यहाँ चोट लगी थी, पट्टी बंधी हुई थी, आपने देखा। ये देखिए गाल यहाँ सूजा हुआ है, यहाँ कान पे भी मारा, यहाँ पीछे गर्दन के दिखेगा नहीं आप, यहाँ लगी, यहाँ चोट लगी, फिर यहाँ। अब कहाँ कहाँ लगी है मैं आपको क्या बताऊँ, बता नहीं सकता हूँ। नहीं, 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 बताना तो पड़ेगा। देखिए जिस डॉक्टर ने मेरी जांच की है ना, उसने रिपोर्ट बनाई है और उसने देख के ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे मुझे चोट लगी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि दफा क्या लगानी है? ऐसी ऐसी सजा दिलवाइए आप पांडे जी को, ऐसी सजा दिलवाइए कि बस किसी को दोबारा मारने की हिम्मत ना करे वो आदमी। 5,000 रुपए मर्डर का केस बनवा देंगे। नहीं, नहीं, मर्डर का क्यों, मैं तो जिंदा हूँ। कभी तो मरोगे है क्या? हाँ, तभी जो है इल्जाम पांडे जी के ऊपर डाल देंगे और सीधा फांसी। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाइए, क्योंकि बाई चांस अगर मैं नहीं मरा तो। अरे हम मार देंगे, ठीक है। अब कानून को घुमाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नहीं नहीं, आप अटेम्प्ट टू मर्डर ही बनाइए जी। ठीक है, हमारा हम तो एक ऑफर दे रहे थे, लाइए 10,000 रुपए। नहीं नहीं, कमाल है भाई, मर्डर के 5,000 रुपए और अटेम्प्ट टू मर्डर के 10,000 रुपए मांग रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं, आप केस जितना वीक होता है ना, हमारा ब्रीफ केस उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग बनाना पड़ता है ना केस को। ये वो ठीक है, लेकिन पांडे जी को अच्छी खासी सजा तो मिल जाएगी ना? आप चिंता मत कीजिए, आप बस जो डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट और उसकी रिपोर्ट्स है ना वो जमा कीजिए, और पांडे जी को तो हम जमा कर देंगे। नहीं, उस आदमी को डंडों से सलाखों के पीछे पिटता हुआ देखना चाहता हूं। हां, चिंता मत करिए सर, आप चिंता मत करिए, एक्चुअली वो आदमी भी यही चाहता है। नहीं कुछ नहीं, आप ये काम कीजिए, यहाँ साइन कीजिए और 10,000 रुपए दीजिए, बस ये लीजिए साइन और ये लीजिए 10,000। बस अब जो है डॉक्टर आपकी चोटों की जांच करेंगे। नहीं नहीं, चोटों की जांच तो हो चुकी है ना ये। नहीं नहीं नहीं, हमारे पुलिस के पर्सनल डॉक्टर होते हैं, वो जो है आपकी चोटों की जांच करेंगे कि चोटें कैसे लगी और चोटों की जो है इंटेंसिटी कितनी है। उसके बाद शुक्ला जी आपको जो है चेकअप के लिए लेके जाएंगे कल। अच्छा, जब मेरा चेकअप हो जाएगा फिर उसके बाद मैं कब आऊं? नहीं ना, आपको आने की जरूरत थोड़ी ना है। है? हाँ, हम उठा के लाएंगे ना। बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग हमेशा आजकल मुझे ऐसे ही उठा के लाते हैं। अब तो मैं ठीक हूँ, ठीक से चल सकता हूँ। अब नहीं चल पाओगे क्या? हाँ बेटा। क्या पांडे जी, अरे क्या हुआ, क्या वो पांडे जी को अरेस्ट किया आपने? भाई अरेस्ट तो तुम्हें करेंगे। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। किसके खिलाफ? पांडे जी के खिलाफ, कि इन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। तो इन्होंने तो जान से मारने की कोशिश की मुझे, मतलब इन्होंने मुझे इतना मारा, अगर मैं वहां से भाग नहीं जाता तो ये मारते मारते मुझे मार देते, इन्होंने मेरी कार भी तोड़ डाली। झूठ बोलता है, झूठ, मैंने तुझे नहीं मारा, बल्कि शराब के नशे में तूने गाड़ी चलाई, खंभे से कार टकराई जिससे कार भी टूटी और तेरा सर भी। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, इसने मेरी कार तोड़ी, इसने मेरा सर फोड़ा। गलत, हमारे डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे बदन पर जो चोट है वो मार लगने से नहीं लगी है बल्कि एक्सीडेंट में लगी है, और तुम्हारी कार भी पांडे जी ने नहीं तोड़ी है, एक्सीडेंट में टूटी है। नहीं नहीं, वो मेरे डॉक्टर ने भी तो जांच की थी ना। हाँ, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो आएगा फिर बताएगा कि रिपोर्ट सही है या गलत। मुझे यहाँ क्यों बुला, मैंने क्या किया? आइए डॉक्टर साहब। सतीलाल जी, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? जांच करनी है। जांच? हाँ तो वो किस चीज की, खून मूत्र या मल की? सब जांच की जरूरत आपको पड़ने वाली है। मुझे? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ठीक नहीं रहेगी। सतीलाल जी, बात क्या है? बात, ये रिपोर्ट आपने बनाई है? हाँ, ये तो मुसद्दी लाल जी की रिपोर्ट है, तो 2 दिन पहले बनाई थी, तभी
क्लिनिक में आए थे। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो आपकी जांच के हिसाब से इनके बदन पर जो चोट है वो किसी के मारने की वजह से लगी है? जी हम बोल रहे हैं, ऐसी मार जो कि एक पुलिस वाले ने मारी हो। देखिए मैंने पट्टी कर दी है, दवाई दे दी है और अब तो बिल्कुल ये ठीक ठाक है। यही तो। क्या, क्यों करी पट्टी? देखिए ये मेरे पास आए, खून बहुत बह रहा था, इन्होंने कहा किसी ने मारा तो मैंने पट्टी कर दी। क्या आपको पता नहीं है कि किसी ने मारा होता है तो पुलिस केस बनता है? हाँ, नहीं एक्चुअली बात ये है। आप चुप रहिए, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना आप इलाज नहीं कर सकते। हाँ, आपने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इनका इलाज किया। दरअसल खून इतना बह रहा था कि अगर मैं इनका इलाज नहीं करता तो खून इतना बहता कि ये खुद ही बह जाते। तो इन्होंने तो मेरा इलाज कर दिया। बोला ना शुक्ला, अरेस्ट करो इसे। मैंने क्या किया? आपने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए पुलिस केस वाला केस हैंडल किया। नहीं वो तो मैं तो, तो, ये क्या तो करते क्या, तो ये बताओ आप मुझे, मतलब जब तक पुलिस को बुलाने के लिए इन्फॉर्म करने के लिए जाते तब तक तो मैं आउट ऑफ फॉर्म हो जाता भाई। आप दोनों ने मिलकर झूठा केस बनाया है क्या? हाँ, पांडे जी से आपकी पुरानी दुश्मनी थी और आपने बदला लेने के लिए अपने एक्सीडेंट को इनके ऊपर थोप दिया। और आप ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नहीं ये बात झूठ है, सच बात ये है कि इन्होंने मुझे मारा मारा। डॉक्टर साहब बोलिए ना, आप बताइए ना कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं मुसद्दीलाल जी, मैंने पहले बोला था ना कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, आपने नोट मेरे मुंह में डाल के मेरा मुंह बंद कर दिया। अच्छा, मतलब आपने रिश्वत ली? रिश्वत नहीं, प्लीज देखिए मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, रिश्वत लेने वाले को हम नहीं छोड़ते, शुक्ला इन्हें गिरफ्तार कर लो। नहीं, और रिश्वत लेके छोड़ दो। चलिए मैं भी जाऊं। ओ मुसद्दीलाल, तुम कहां चले? पुलिस के अत्याचार के बारे में अखबारों में बयान छपवाते हो, पुलिस को बदनाम करते हो, पुलिस में पुलिस के ही खिलाफ कंप्लेन लिखते हो। देखिए मैं आप लोगों से सच कह रहा हूँ कि मेरी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे वाकई पांडे जी ने मारा था। झूठ बोल रहा है, इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। कहाँ है सबूत? भाटिया सबूत पेश करो। जी सर। मुसद्दीलाल शेरगिल वल मुसद्दीलाल शेरगिल सीनियर, उम्र 47 साल, पता 555/666 फजलगंज। तुमने रिपोर्ट में लिखवाया है कि तुम सोमवार 19 जून सुबह 10:10 पे फूल वाली गली से जा रहे थे। हाँ जा रहा था। अरे पर तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, 9 से 11 के बीच फूल वाली गली में आया तो जा सकता है, जाया नहीं जा सकता, वहाँ पर वन वे है। ये तुम्हारा पहला गुना। आपने आगे लिखवाया है कि पांडे जी के कपड़े पे तुम्हारी कार के छींटे पड़े और पांडे जी तुम्हारे ऊपर पिल पड़े। बिल्कुल ठीक है, छींटे पड़े और ये पिल पड़े। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? हुआ है, हुआ था। पानी की छींटे पड़ने के लिए कार की स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए भाटिया जी? 30-40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए सर। है ना मुसद्दीलाल? हाँ तो 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगी गाड़ी तो छींटे कैसे उड़ेगा भाई। हाँ लेकिन फूल वाली गली में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गाड़ी चलाना मना है और आप चला रहे थे। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, भाटिया आगे पढ़ो। देखिए आपने पांडे जी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाया है। जी हाँ, जबकि पांडे जी उस दिन 10:10 पे फूल वाली गली में थे ही नहीं। थे? नहीं थे, वो स्पेशल ड्यूटी पर उषा जी के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। यही तो। और आपका चौथा गुना ये है कि आपने डॉक्टर को रिश्वत दी और झूठी रिपोर्ट बनवाई और डॉक्टर ने कबूल कर लिया है। पांडे जी अरेस्ट। नहीं देखिए एक सेकंड मेरी बात आप सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मुझे वाकई पांडे जी ने मारा था। चार देखिए फिर मारने की कोशिश। एक मिनट, ये पांडे जी मुसद्दी को नहीं मार रहे हैं, ये एक सब इंस्पेक्टर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले को मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुझे छोड़ नहीं, मैं तुझे तोड़ दूंगा। अरे देखो गलती हुई भाई, मैंने तुझे मारा था क्या? हाँ मारा था। क्या कहा किसने के मारा था? मारा ही नहीं था। मारा तो था, देखो खुद ही कह रहा है कि मारा था, लेकिन सबूत तो नहीं कह रहे ना। यही तो, और हम वही करते हैं जो सबूत कहता है। शुक्ला इसे ले चलो। चाय। अरे यार रुको एक सेकंड भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस के अंदर रिपोर्ट कर दी, मैं वो रिपोर्ट वापस लेता हूँ। अच्छा? हाँ भाटिया जी वो रिपोर्ट वापस दे दीजिए। कैसे ही? तो कैसे? रिपोर्ट लिखने के लिए कितने दिए थे? 10,000 रुपए। तो रिपोर्ट वापस लेने के लिए 50,000। ठीक है, बोलो अंदर की बाहर? बाहर मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। गुड, साथ में अखबार में बयान भी देना होगा। क्या? कि आपने एक पुलिस वाले के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। यही तो, शराब पी के गाड़ी चला रहा था। नहीं लेकिन इससे तो मेरे ऊपर केस बन जाएगा। यही तो फिर उस केस से बरी कैसे होऊंगा? फिक्स रेट 50,000 रुपया है क्या? हाँ ठीक है भैया। अरे भैया कहाँ चले? अरे 1,00,000 रुपए लेने जा रहा हूँ और बयान देने जा रहा हूँ। क्या? यही कि होश में नहीं था, होता तो पुलिस से पंगा लेता। नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.